चलिए रुख करते अगली खबर का। खबर कांकेर से है, जहां कांकेर के जेपरा गांव हाथियों का दल पहुंच चुका है। धमतरी होते हुए कांकेर पहुंचा है हाथियों का दल और 20 से ज्यादा हाथियों का दल जेपरा गांव पहुंच चुका है। वन विभाग ने ग्रामीणों को अलर्ट कर दिया है। कांकेर के जेपरा गांव हाथियों का दल पहुंच चुका है और 20 से ज्यादा हाथियों का दल है जो इस समय गांव पहुंच चुका है। हालांकि ग्रामीणों को अलर्ट अभी से ही कर दिया गया है वन विभाग की तरफ से। छत्तीसगढ़ में लगातार हाथियों का आतंक देखने को मिल रहा है। वन विभाग ने ग्रामीणों को अलर्ट कर दिया है और 20 से ज्यादा हाथियों का जो दल है वो इस समय गांव पहुंच चुका है। देखिए किस तरह से 20 से ज्यादा हाथियों का दल है वो गांव पहुंच चुका है। देखिए तस्वीर में किस तरह से जो हाथी हैं वो घूमते हुए तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। मेरे सहयोगी फोन लाइन पर सुशील जुड़ गए हैं इस पूरी खबर पर। सुशील देखिए 20 से ज्यादा जो हाथियों का दल है वो गांव पहुंच चुका है, लेकिन वहां पर इस समय क्या स्थिति है, कैसी तस्वीर देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, यह कांकेर जिले के चारामा वन परिक्षेत्र का यह पूरा मामला है, जहां पर ग्राम जेपरा में 20 से अधिक हाथियों का दल पहुंचा हुआ है, जो कि कांकेर जिले से सटे धमतरी इलाका से पहुंचा हुआ है। वहीं ग्राम जेपरा में किसानों के द्वारा लगाई गई गर्मी धान की फसल जिन्हें हाथियों के द्वारा नुकसान पहुँचाया गया है। साथ ही नुकसान पहुँचाने के साथ इस इलाके में वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई है और यहां के ग्रामीणों को अलर्ट किया गया है कि जंगली इलाके में या अपने खेतों की ओर ग्रामीण अकेला ना जाएं। खासकर हाथी इस इलाके में होने से कहीं ना कहीं इस क्षेत्र के ग्रामीणों में दहशत बना हुआ है। वहीं इससे पहले एक साल पूर्व भी इस इलाके में इन हाथियों का दल यहाँ पहुँच चुका था और कई घरों को भी नुकसान पहुँचा या जा चुका है, जिससे इस क्षेत्र के ग्रामीण अभी भी दहशत में हैं। देखिए ग्रामीणों को अलर्ट तो कर दिया गया है वन विभाग की तरफ से, लेकिन क्या कुछ आगे एक्शन लिया जाएगा जिससे कि ग्रामीणों को हाथियों के दल से बचाया जा सके? जी अभी तो फिलहाल वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची हुई है और इन हाथियों की निगरानी में लगी हुई है। साथ ही जगह जगह वन विभाग की टीम यहाँ पर तैनात किया गया है और वन विभाग की टीम के द्वारा ग्रामीणों को समझाई दी जा रही है कि जंगली इलाकों में न जाए, अपने घर में रहे। देखिए 20 से ज्यादा हाथियों का दल है जो इस समय गांव पहुंच चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील हमें तमाम जानकारी देने के लिए।